हेलो बच्चों, देखो देश में जो आज के टाइम में बेरोजगारी चल रही है, आप इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आप बेरोजगार होने से बचना चाहते हो या अभी आप बेरोजगार हो तो आप ये वीडियो को पूरा देखो। मेरी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं मात्र 25 का हूँ और मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूँ और बेरोजगार और रोजगार में अंतर को समझाना चाहता हूँ और कैसे हम अपने बेरोजगारी से छुटकारा पाएं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। देखो मैं अभी सारे स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और मैं सारे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर कहीं पे जॉब लगा दो, कहीं पे सर आप ये कर दीजिए, कहीं पे प्राइवेट नौकरी लगा दीजिए। बड़ी तकलीफ होती है मुझे जब मेरे पास मेरे बच्चे आते हैं, कहते हैं सर मुझे एक दुकान में टैली पर काम करना है, मुझे टैली सिखा दो, मैं वहाँ पर काम करूँगा। आप कितना कमाओगे किसी दुकान में काम करके? आप कितना कमाओगे? 5,000, 6,000, 10,000? क्या उस अमाउंट से आपके घर चलेंगे? कभी नहीं चलने वाले। और हाँ, अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जहाँ पे शारीरिक थकावट ज़्यादा होती है तो वहाँ पर आप वो पैसे अर्न भी कर लोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ये सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्यों ना हम, आखिर मैंने भी तो काम करा, मैं भी तो अभी काम कर रहा हूँ, अपने घर परिवार को चला रहा हूँ। तो मैंने अपने लाइफ में कौन से काम को चुना? मैंने ऐसे काम को चुना जहाँ पर मैं लॉन्ग टाइम काम कर सकता हूँ, मैं बुढ़ापे तक काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप कहीं जा कर के कोई ऐसा काम करती हो जहाँ पर कुछ समय के बाद आपको वो काम छोड़ना पड़े तो आपकी अनुभव क्या काम आएगी? आपकी अनुभव कहीं काम नहीं आएगी अगर आपने शॉर्ट टाइम काम को चुना है। स्वाभाविक है आपको लंबे अरसे वाले काम को ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए आपको मैं एक सही रास्ता दिखाऊंगा। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके पास हुनर है, आपके पास स्मार्टफोन है, तो अपने हॉबीज़ को निकालो, यूट्यूब में आओ, कंटेंट बनाओ और जेन्युइन कंटेंट बनाओ। चाहे आप मोटिवेशन कर सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो, टैक्स बना सकते हो, गणित बना सकते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, जो भी आपको अच्छे लगते हैं। एग्जाम्पल खान सर को, खान सर को आज कौन नहीं जानता है, अलक पांडे सर को आज कौन नहीं जानता, हिमांशु मैम को आज कौन नहीं जानते हैं, अमन दत्तवाल सर को आज कौन नहीं जानते हैं, संदीप मिश्र को आज कौन नहीं जानते हैं? क्या आप उनको कैसे जानते हो? क्या वो आपके घर पे आके पढ़ाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो। क्या आप अपने गुरु से इंस्पायरेशन नहीं ले सकते हो? क्या आप इंस्पायर्ड नहीं हो सकते हो? आखिर मैं कैसे इंस्पायर हुआ, मैं कैसे मेहनत कर रहा हूँ आज? तो आपको लॉन्ग टाइम सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन भी तो मात्र 70 साल का ही है ना। अगर आप अपने भविष्य के बारे में सही ढंग से नहीं सोचोगे तो आप हो सकता है कुछ पल के लिए सक्सेस करो, लेकिन अंततः आप फिर फेल कर जाओगे, फिर आप उसी जगह पे आ जाओगे जहाँ से आपने शुरू किया था। इसलिए काम ऐसा चुनो जो लॉन्ग लास्टिंग हो। हाँ, सक्सेस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, मुझे भी काफ़ी समय लगा, 25 साल लग गए। मुझे लगता था, मुझे अपने आप पर विश्वास था कि मैं 16 साल में सक्सेस कर जाऊँ, लेकिन 25 साल मुझे भी लग गया यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। अलग बात है कि हमारी सोच एक अलग लेवल की थी, मैं चाहती कम उम्र में आगे बढ़ूं। इसका मतलब ये नहीं कि कम उम्र में आगे बढ़ने में कोई बुराई है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं, सोच बदलना पड़ेगा। कम उम्र में मार्क जुकरबर्ग ने 19 साल में फेसबुक को कहां से कहां तक पहुंचा दिया था। तो आपको भी सोचना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ में झांकना पड़ेगा। और हाँ, यूट्यूब पे आएंगे और वहाँ पे कॉन्टेंट पे काम करेंगे तो आपके अनुभव बेकार नहीं जाएगी, आप भी बड़े बड़े यूट्यूबर बन सकते हो। आप यहाँ पे सोच ही नहीं सकते हो कि मैं भी वैसा बन सकता हूँ। आप ऐसा क्यों नहीं जानते हो कि कितने भी बड़े ना बड़े यूट्यूबर क्यों ना हो, कभी उनका भी सब्सक्राइबर 0 रहा होगा। रहा होगा कि नहीं, आप बताएं मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली रहा होगा, मैंने भी बड़ी गरीबी से यहाँ तक मैं आगे बढ़ाऊँ, लेकिन हाँ, मेरा मन कभी गरीब नहीं था, मेरा मन बहुत अमीर है, मेरा मन मुकेश अंबानी से भी अमीर है। मैं कंप्लीट हमेशा ही सोचता हूँ कि कैसे आगे बढ़ूँ और लोगों को मैं आगे बढ़ाऊँ। और मैं आज जो भी हूँ, अपनी मेहनत और अपने माता पिता का आशीर्वाद और अपने एक जो एक समाज में एक अच्छी चीज़ बांटता हूँ, मुझसे उसे एनर्जी मिलती है, मुझसे उसे ऊर्जा मिलती है, और वही ऊर्जा को मैं इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से और लोगों को इंस्पायर्ड कर रहा हूँ। मेरे भाई, वेट मत करो, उम्र का वेट मत करो, उम्र तो ऐसे बीत जाएगी। आप आज शुरू करो, अब भी शुरू करो और अब भी आप स्टार्ट करो, कभी ना कभी आप सफल होगे और आप लंबा सफल होगे और ग्रैंड सक्सेस करोगे। आई बात समझ में? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियो मेरे भाई मैं बनाता हूँ, मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो आप भी मुझे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखो। थैंक यू। जय हिंद।